हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग, वेलकम टू सिविल डिकोडर ऑफिशियल। दोस्तों, आज का अपडेट रहने वाला है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, जो सिलेक्शन पोस्ट 11 चल रही है, जिसका कि अभी लगातार अपडेट आपको देखने को मिल रहा होगा अलग अलग पदों में। दोस्तों, इसमें आपकी जो वैकेंसी थी, टेक्निकल वैकेंसी SSC फेस 11 2023 में काफ़ी ज़्यादा थी, जिसमें कि आपके टोटल जो ओवरऑल पद थे वो आपके 5300 के लमसम थे, जिसमें कि आपका टेक्निकल वैकेंसी 1000 प्लस थी। दोस्तों, SSC फेस 11 में जो सबसे ज़्यादा टेक्निकल वैकेंसी पॉपुलर रही है वो आपकी MES JEE है। दोस्तों, MES JEE में 391 पदों के लिए आवेदन मांगा गया था और इसमें आपकी इनिशियल एलिजिबल लिस्ट जारी कर दी गई है और आपकी फाइनल एलिजिबल लिस्ट भी जारी कर दी गई है। दोस्तों, 14 अक्टूबर को इसमें फाइनल एलिजिबल लिस्ट को जारी कर दिया गया है, जिसमें कि आपका 4691 अभ्यर्थियों को फाइनल एलिजिबल किया गया है। इनका अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। दोस्तों, मैंने एक एनालिसिस किया है, मैं आपको एनालिसिस दिखाता हूं, जिसमें कि आपका MES JEE और आपका कंजर्वेशन असिस्टेंट और आपका सीनियर कंजर्वेशन असिस्टेंट, जो आपकी टोटल अलग अलग रीजन्स में वैकेंसी है, मैंने उनको भी कवर किया है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं जो आपकी पहली वैकेंसी है वो आपकी कंजर्वेशन असिस्टेंट साउथर्न रीजन के लिए SR के लिए थी, जिसका कि पोस्ट कोड आपका था SR 14423 और इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 172 थी, जिसमें कि आपका कैटेगरी वाइज अलग अलग वैकेंसी मैंने लिख दिया है। और इसमें अभी फाइनल एलिजिबिलिटी का रिजल्ट नहीं आया है, फाइनल एलिजिबिलिटी लिस्ट नहीं आई है, इसमें अभी फिलहाल में इनिशियल एलिजिबिलिटी लिस्ट आई है। अभी इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कोई शेड्यूल नहीं है, फाइनल लिस्ट के आने के बाद ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल होता है। दोस्तों, इसमें अभी इनिशियल एलिजिबिलिटी लिस्ट में 1803 अभ्यर्थियों को एलिजिबल किया है। टोटल आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी 172 है, लमसम 10 गुना अभ्यर्थियों को इसमें एलिजिबल किया गया है। और अभी इसकी फाइनल एलिजिबिलिटी लिस्ट आएगी, उसमें कुछ अभ्यर्थी बढ़ भी सकते हैं। दोस्तों, इसमें 10 गुना अभ्यर्थी हैं और का जो फाइनल एलिजिबिलिटी लिस्ट है वो आपकी नवंबर में आएगी, आपकी मिड नवंबर में आ जाएगी, क्योंकि अभी जो कंजर्वेशन असिस्टेंट KKR की वैकेंसी है उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, उसके बाद ही इसका शेड्यूल होगा। दोस्तों, जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो आपकी कंजर्वेशन असिस्टेंट KKR में थी, इसमें भी आपका जो पोस्ट कोड है KKR 12623 है और जो नंबर ऑफ वैकेंसी 70 थी, जिसमें कि आपका कैटेगरी वाइज अलग अलग है और इसमें फाइनल एलिजिबिलिटी लिस्ट जारी कर दी गई है। तो दोस्तों, इसमें फाइनल एलिजिबिलिटी लिस्ट जारी कर दी गई है, 1560 जो अभ्यर्थी हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसमें जो टोटल वैकेंसी है 70 है और जो अभ्यर्थी हैं वो आपके लमसम 9 गुना है, जिसमें कि आपके इन अभ्यर्थियों का ही DB होगा। दोस्तों, इसका DB का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है, आपका DB 23 अक्टूबर से लेकर नवंबर के मिड तक चलेगा। दोस्तों, इसमें 1560 अभ्यर्थी हैं, डेली 50 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है, लमसम आपका 1 महीने से ज़्यादा का समय लगने वाला है। तो दोस्तों, आपका जो डॉक्यूमेंट चलेगा नवंबर तक चलने वाला है। और दोस्तों, जो नेक्स्ट पोस्ट है वो आपकी सीनियर कंजर्वेशन असिस्टेंट है SR में। दोस्तों, इसमें अभी SR का जो सीनियर कंजर्वेशन और कंजर्वेशन का जो प्रोसेस है काफ़ी स्लो चल रहा है KKR की कंपेयर में। दोस्तों, SR का जो साउदर्न रीजन का जो प्रोसेस है कंजर्वेशन और सीनियर कंजर्वेशन का, वो अभी काफ़ी स्लो चल रहा है, KKR का फास्ट चल रहा है। पहले KKR की वैकेंसी होगी, उसके बाद SR की वैकेंसी होगी। दोस्तों, इसमें सीनियर कंजर्वेशन में जो आपका पोस्ट कोड था SR 14923 था, नंबर ऑफ वैकेंसी 44 थी, इनिशियल एलिजिबिलिटी लिस्ट में 288 अभ्यर्थियों को एलिजिबल किया गया है, जिसका कि ये वैकेंसी का लमसम 6.5 गुना है। इसका अभी फाइनल एलिजिबिलिटी लिस्ट नहीं आया है, फाइनल एलिजिबिलिटी लिस्ट आने के बाद इसका DB का शेड्यूल होगा। दोस्तों, इसका भी जो फाइनल एलिजिबिलिटी लिस्ट आएगी नवंबर के एंड में आएगी और आपका जो DB जाएगा वो आपका दिसंबर में जा सकता है, क्योंकि अभी KKR की वैकेंसी फाइनल होगी, उसके बाद ही इसका DB का शेड्यूल होगा। दोस्तों, जो नेक्स्ट सीनियर कंजर्वेशन की वैकेंसी है वो आपकी KKR में, इसका पोस्ट कोड है KKR 12723, वैकेंसी आपकी 44 है, फाइनल एलिजिबिलिटी लिस्ट आ चुकी है, जिसमें कि 254 अभ्यर्थियों को DB के लिए बुलाया जा रहा है, लमसम पाँच गुना आप बोल सकते हैं, 6 गुना भी बोल सकते हैं। आपका कैटेगरी वाइज देखेंगे तो कहीं कैटेगरी में बहुत कम अभ्यर्थी हैं, किसी कैटेगरी में बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, तो लमसम आप 5 गुना मान के चलिए। इसका जो DB शेड्यूल है वो आपका 5 दिन DB होगा, 14 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के बीच में, और इसका जो रिजल्ट है वो आपका DB के 2 महीने बाद आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसका जो प्रोसेस है काफ़ी फास्ट है, जो टेक्निकल वैकेंसी है इसका प्रोसेस काफ़ी फास्ट है। और जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो आपकी जूनियर इंजीनियर MES में, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी
391 है, 391 वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज आपकी अलग अलग है। दोस्तों इसमें भी 14 अक्टूबर को फाइनल एलिजिबिलिटी लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें कि आपका टोटल जो अभ्यर्थी हैं 4691 अभ्यर्थियों को एलिजिबल किया गया है 391 वैकेंसी के एवज में। इसमें जो लमसम अभ्यर्थी हैं वो आपके 12 गुना अभ्यर्थियों को डीवी के लिए बुलाया जा रहा है, और इसमें डीवी की अभी डेट नहीं दी गई है, जल्द ही वेबसाइट पर इसमें डीवी की डेट आएगी। तो दोस्तों आप लोग वेट कीजिएगा और एनआर की वेबसाइट और एसआर और केकेआर की वेबसाइट को रेगुलर वॉच करते रहिए। आप जिस वैकेंसी से संबंधित हैं, आपने किस वैकेंसी में आवेदन किया है, किससे आप संबंधित हैं, आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो काफ़ी अभ्यर्थियों का डाउट रहता है कि सर इसमें डीवी में क्या होगा, कैसे होगा, क्या क्या लेके जाना। अभी सीनियर कंजर्वेशन और कंजर्वेशन असिस्टेंट केकेआर वैकेंसी का डीवी चल रहा है, और भी दोस्तों कई वैकेंसियों का डीवी आ चुका है, जैसे कि आपका ड्राफ्टमैन था और एक एक दो दो पद थे उसका भी डीवी हो चुका है। तो दोस्तों मैंने जो अभ्यर्थियों से एक्सपीरियंस लिया है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे डीवी आपका हो रहा है। दोस्तों आपको लेके जाना है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जो आपने स्क्रूटनी के टाइम पर फोटोकॉपी भेजे थी आप उसी का ओरिजिनल लेके जाइए, और आप वन सेट बना के लेके जाइए, टोटल जो डॉक्यूमेंट है उनकी वन सेट कॉपी लेके जाइए, और आप अपना ओरिजिनल आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपका एड्रेस प्रूफ हो और आपका नेम वेरीफाई करता हो, आपको आईडी प्रूफ ओरिजिनल लेके जाना है, और दो फोटोग्राफ आपको लेके जाना है। जो डीवी आपका चल रहा है दो शिफ्ट में चल रहा है, जैसे कि आपका सुबह 10 बजे से लेकर और शाम को जो सेकेंड शिफ्ट है वो आपकी 2:30 बजे से स्टार्ट हो रही है, 4-5 घंटे का समय दिया गया है दोनों शिफ्ट में। तो दोस्तों आपका डीवी जो होगा वो आपका बहुत ही जल्द हो जा रहा है, 2-3 घंटे में आपका डीवी निपट जा रहा है। दोस्तों जो डीवी करने वाले लोग हैं वो 5 से 6 हैं, आप 5 अभ्यर्थियों को एक बार बुलाते हैं और 10 से 15 मिनट में आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखते हैं और आपसे जो फॉर्मेलिटीज है वो कराते हैं, कुछ फॉर्म फिलअप कराते हैं और आपके सभी डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड कराते हैं अपने ही सामने। तो दोस्तों आप लोग अपनी वन सेट कॉपी बना के ले जाइए, और डीवी में आपको किसी प्रकार का घबराने की जरूरत नहीं है, आपको केवल अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाने हैं। जिस वैकेंसी में एक्सपीरियंस मांगा गया था तो एक्सपीरियंस में वो कुछ क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे, जैसे कि आपने जिस कंपनी में काम किया है वहाँ क्या करते थे, और आपका जो कंपनी है उसका क्या नेम है, और ये कहाँ पर का हेड ऑफिस है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। एक्सपीरियंस आप अगर आपकी वैकेंसी में एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है तो आपके ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, और आपका केवल आपका रेजिडेंस क्या है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है सेंट्रल का, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट में ज़्यादा इशू आ रहा था कि कुछ अभ्यर्थी स्टेट का लगाए थे, कुछ अभ्यर्थी सेंट्रल का लगाए थे। तो दोस्तों आपको सेंट्रल का ही कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है, अपना EWS का सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है, जो भी आपका रिलेवेंट सर्टिफिकेट है वो आपका सेंट्रल लेवल पे जो SSC के फॉर्मेट है उसी आधार पे ले जाने हैं, और आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी जो ये फॉर्मेट दिया गया है SSC के विज्ञापन में, SSC की वेबसाइट में, आपको उसी प्रकार से लेके जाना है, और जो आपने फॉर्म में डेट डाली थी और वो डेट आपकी मैच होनी चाहिए। दोस्तों इसमें आपकी जो स्टार्टिंग डेट है वो मैच होनी चाहिए, अगर आप करंट में वर्किंग है तो आपकी जो लास्ट डेट है वो आपकी मैच नहीं होगी, क्योंकि आप करंट में वर्किंग है, जो एक्सपीरियंस है वो आप उसमें करंट वर्किंग ही लिखेगा, जो लास्ट की डेट नहीं मैच हो रही थी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आपकी स्टार्टिंग की डेट मैच होनी चाहिए। जैसे आपने दो कंपनियों को लगाया है, जैसे कि आपने 12/6/2021 से एक कंपनी में काम किया, फिर उसके बाद 1 साल उसमें काम किया, तो उसके एंड का डेट लिखा होगा, फिर आपने दूसरी कंपनी में काम किया उसका स्टार्टिंग और करंट वर्किंग, जो आपको दो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके जाने हैं, जो जो आपने फॉर्म में भरे हैं उसी प्रकार के आपके डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, जो स्कूटनी के टाइम पर आपने भेजे हैं उसी को लेके जाना है। और कुछ अभ्यर्थियों जैसे कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट स्कूटनी के टाइम पर नहीं भेजा था, पे स्लिप वगैरह भेज दिया था, तो आप लोगों का अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बन गया हो तो आप उसमें ऐड भी कर सकते हैं, आपको जो कुछ भी डॉक्यूमेंट ऐड करना है वो आप उसमें ऐड भी करा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग किसी प्रकार की टेंशन ना लीजिए और अपना अच्छे से डॉक्यूमेंट को तैयार कीजिए, और जो आपका शेड्यूल आता है आप उस शेड्यूल में जाकर जो एड्रेस है उसमें जाके आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए। अभी जो MES JEE की वैकेंसी है इसको फाइनल होने में लमसम 6 महीने का समय लगने वाला है, और जो ये कंजर्वेशन असिस्टेंट सीनियर कंजर्वेशन असिस्टेंट ये आपकी 3 से 4 महीने में आपकी वैकेंसी फाइनल हो जाएगी, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ज्वाइनिंग में कितना समय लगेगा ये डिपार्टमेंट पर निर्भर करता है, तो आपका फाइनल लिस्ट है 6 महीने में जारी हो जाएगी। तो दोस्तों आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए अदर एग्जाम्स की भी, और इसका जो डॉक्यूमेंट आप कंप्लीट करके रख लीजिए, जैसे शेड्यूल आए आप जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिए। और दोस्तों इसमें जो कट ऑफ है आपकी कट ऑफ बढ़ने वाली है, आपके जो इनिशियल के लिए कट ऑफ थी, स्कूटनी के लिए कट ऑफ थी, उससे आपकी 20 से 30 नंबर कट ऑफ एबव ही रहेगी हर वैकेंसी के लिए। तो दोस्तों आप लोग कट ऑफ की टेंशन मत लीजिए, आप अपना केवल काम कीजिए, आपका अगर डॉक्यूमेंट में शॉर्ट लिस्टेड है तो आप लोग डॉक्यूमेंट जाके चेक करा लीजिए, और आप लोगों को किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट करें, टेलीग्राम पर मैसेज करें, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।